हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ताल की केक बना के दिखाऊंगी, वो भी बिना ईस्ट और बिना अंडे की। ताल की केक इतनी स्पॉन्जी और टेस्टी बनेगी कि कोई भी इसे खा के ये बता नहीं पाएगा कि आपने इसे ताल से बनाया है, क्योंकि ताल की जो स्मेल और थोड़ी सी कड़वापन होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस केक की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक रूपसा रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो ताल की केक बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें डाल देंगे एक कप मैदा। मैदे को हमने बहुत ही अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच नमक। मीठे में थोड़ा सा नमक होना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी टेस्ट बढ़ जाएगी। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे। आप यहाँ पे चीनी के पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो चलिए अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ताल की प्यूरी। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप ताल की प्यूरी। ताल की प्यूरी के हमने बहुत ही अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें कोई रेसे ना रहे। अब हम इसमें 1/2 कप डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, बस उसका कोई खुद का स्मेल ना हो। लेकिन आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपका केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इन सारे चीज़ों को मैदे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ताल की प्यूरी मत लीजिएगा, जितना आपने मैदा लिया है बस उसका 1/2 ही ताल की प्यूरी डाल दीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपकी केक जो है वो अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनेंगे और खाते वक्त दांतों में चिपकने लगेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए इसे पतला करने के लिए थोड़ी सी दूध डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध डाल दिया है और दूध को इस बैटर में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक बनाने के लिए जब तक हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना मिले तब तक हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बैटर जो है वो अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए 2 चम्मच दूध इसमें और डाल देंगे और इस दूध को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा दूध मत डालिएगा, वरना आपकी बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी केक की बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो चुकी है। आप इसे उठा किस तरह से गिराएंगे तो ये बहुत ही स्मूथ से गिरने लगेंगे। तो केक बनाने के लिए हमें यहाँ पे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसे ही चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर। विनेगर डालने से ताल की जो स्मेल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा किशमिश डाल देंगे। किशमिश को हमने यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से पीसेस करके काट के डाल दिया है। आप इसमें काजू, आमंड, पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो चलिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है, इसे एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे हम केक बनाने के लिए इस तरह का एक स्टील का बर्तन लेंगे। आपके पास अगर केक टिन है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और तेल को अच्छे से ब्रश कर लेंगे। बर्तन की चारों तरफ तेल को बहुत ही अच्छे से ब्रश कर लेंगे ताकि केक चिपक ना जाए और आसानी से बाहर निकल आए। तो अब हम इस बर्तन में थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे और मैदे को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आप यहाँ पे मैदे की जगह कोई पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी आपकी जो केक है वो बहुत ही इजीली बाहर निकल आएगी। तो केक बनाने के लिए हमारा जो बर्तन है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें बटर को डाल देंगे। आपके पास अगर इस तरह के बड़े बर्तन नहीं है तो आप यहाँ पे छोटे छोटे स्टील की जो कटोरी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बर्तन को थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे ताकि बैटर जो है वो चारों तरफ एक समान हो जाए। तो दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इस कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बिना नमक डाले भी आप केक बना सकते हो, लेकिन आप अगर नमक डालेंगे तो आपकी कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। तो चलिए नमक को हम अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर रख देंगे एक स्टैंड, और इस स्टैंड के ऊपर टिफिन को रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। लीड के ऊपर जो होल है इसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा डाल देंगे ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। तो अब हम फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे और बिना टच किए 40 से 45 मिनट हम इसे कुक होने देंगे। 40 मिनट्स हो चुकी है, केक को चेक करके देख लेंगे। इस तरह से एक टूथपिक लेंगे और केक के अंदर डाल के देखेंगे। देखिए टूथपिक जो है एकदम क्लियर निकल के आया है, इसका मतलब केक हमारा बिल्कुल कुक हो चुकी है। केक अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे निकाल के दिखाएंगे। केक पूरी तरह से ठंडा हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक नाइफ लेंगे और इसके किनारे को इस तरह से काट देंगे। इस तरह से केक के किनारे को काट लेंगे तो केक हमारे बहुत ही इजीली बाहर निकल के आ जाएगी। तो केक को हमने बहुत ही अच्छे से काट लिया है।
अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट के ऊपर टिफ़िन को इस तरह से पलट देंगे। टिफ़िन को इस तरह से पलटने के बाद इसके ऊपर हाथों से थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। केक के ऊपर काजू और आमंड बादाम डाल के अच्छे से इसे सजा लिया है। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। तो देखिए, आप देख सकते हो ये कितनी स्पॉन्जी बनी है। आपको मैं इसे काट के भी दिखा रही हूँ। केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनी है, इसलिए ये इजीली कट रही है। और इस केक की कलर को भी देखिए, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है। ताल की प्यूरी की जो कलर है वही कलर इस केक में निखर के आई है। आप यहाँ पे देख सकते हो केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनी है। मैं इसे दबा के भी दिखा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसी। और ये केक इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है कि कोई इसे खा के बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसे ताल से बनाया है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। टेक केयर।